हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चिक चिक बूम फायर में। मैं हूँ सिमरन वर्मा। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई है। मुझे पता नहीं था, कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ प्रैंक में कभी ऐसा होगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपसे मिलती हूँ वीडियो के एंड में। एक्सक्यूज़ मी, अरे मैं यहाँ बैठ सकती हूँ आपके पास? क्यों ऐसे ही बैठ सकते? नहीं बैठ सकती क्या? दो मिनट के लिए। ओके, आप बैठ जाओ। नहीं, आप भी यहीं बैठो ना। कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ आपके पास ही बैठने के लिए आई हूँ, आप दूर जा रहे हो। नहीं तो आप बैठ जाओ ना, मैं आपको थोड़ी ना मना किया हूँ। तो मैं तुमसे बात करने के लिए आई बाबा। क्यों? मैं आपको जानता भी नहीं और आप मेरे से बात। सिमरन, मेरा नाम सिमरन है। नहीं नहीं, क्यों? आपका नाम तो बता दो। सूरज। क्या करना है नाम जान के? सूरज। ओ, सूरज और सूरज के पास बैठे हो। सही, अच्छे लग रहे हो आप। कुछ तो बोला, कॉम्प्लीमेंट दिया मैंने, थैंक यू बोलना होता है। तो क्या करूं? ठीक है, थैंक यू बोल दिया ना। इतना गुस्से में क्यों बोल रहे हो? प्यार से भी बोल सकते हो। कोई लड़की आई ऐसे बात करोगे क्या? और वैलेंटाइन डे है, तुम इस पार्क में क्या कर रहे हो? अरे यार प्लीज, आप जाओ ना यार। अबे क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, उठ क्यों रहे हो? बात तो बताओ। मैं नहीं, क्या बताऊं? मुझे कुछ नहीं बताना है, प्लीज आप चले जाओ। अच्छा रुको तो सही, दो मिनट। नहीं, मैं ना मैं अकेली घूम रही थी और तुम्हें पता है वैलेंटाइन डे है, तो मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो तुम मुझे अच्छे लगे थे, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई बात करने तुमसे। दो मिनट। उधर जाओ आप, वहाँ पे लड़के बैठे हैं ना। वो लड़कियों के साथ बैठे हैं ना, अकेले तो आप ही हो। तो मैं क्या करूँ यार, इतना मूड क्यों? सेट क्या हो गया? मैम चलो मूड ठीक करते, तुम्हें आप KFC लेके चलते। चलो नहीं, मुझे नहीं जाना है। वेजिटेरियन हो तो बर्गर खा के आते। चलो। अरे यार मुझे लड़की में इंटरेस्ट ही नहीं है। लड़की में इंटरेस्ट नहीं है? हाँ, अब जाओ बस, हैप्पी। अगर नहीं करना तो ऐसे बोल दो ना, मजाक क्यों कर रहे हो? मतलब लड़की में इंटरेस्ट नहीं है, क्या हो गया? नहीं फिर आप जरूरी है मेरे पास ही आओ। आप वहाँ पे चले जाओ, उधर भी लड़के बैठे हैं, उधर भी लड़के बैठे हैं। ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? कुछ बता तो सकते हो? चलो ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अरे कुछ बता तो सकते हो क्या हो गया? मैं आपसे बात करने आई, आप अच्छे लगे इसलिए बात करने आई ना मैं आपसे। और आप ऐसे भी तो मैं नहीं हूँ यार, प्लीज आप जा। वो तुम मजाक कर रहे हो क्या? बताओ ये वो मुझे, नहीं तुम्हें क्या लग रहा है? मैं मजाक कर रहा हूँ क्या? मैं मजाक कर रहा हूँ? मजाक में मूड में लग रहा हूँ? सुनो, लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, मीठे हो गया। मैं खुश करना चाह रही हूँ, तुम ऐसे बोल रहे हो। अरे यार अब तुम्हें क्या बताऊँ यार, बताओ ना यार, हद है। इतना बिहेव ऐसे कैसे कर रहा? चल रुको, दो मिनट बैठ जाओ, दो मिनट बैठ जाओ, शांत हो जाओ, शांत। क्या है आपको? क्या पानी वानी पियोगे? नहीं पानी नहीं पीना। तो बैठ जाओ फिर, दो मिनट। आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बात करनी है तुमसे, दो मिनट। और क्या करनी है? क्या बात करनी है? जल्दी बताओ। ठीक है जल्दी बताओ, कौन सी ट्रेन छूटे जा रही है तुम्हारी, जल्दी बताओ। अच्छा बताओ क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? क्या बताऊं यार, जब इतने अपसेट क्यों हो? मैं तुमसे बात करने आई थी बस, एज एक बात करने, फ्रेंड की तरह, कि वैलेंटाइन डे है, दोनों नॉर्मल बात करने आई थी बस, और तुम ऐसे कर रहे हो, क्या बात है? लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, मतलब क्यों? क्या हुआ? निकाल दिया गया हूं यार मैं, मेरे किस रीजन पे क्या हो गया? अरे मैं जब छोटा था ना, तो मुझे चूड़ी वगैरह पहनने के शौक थे, और मतलब घर में जैसे बहन की फ्रॉक वगैरह था वो भी पहन लेता था, तो इस वजह से मतलब जब थोड़ा मम्मी पापा जान गए तो मुझे घर से बाहर निकाल दिए, और मैं आज इतनी दूर हूँ, यहाँ पे हूँ, और मेरा कोई नहीं है यार, कोई नहीं है। अरे रो मत, देखो 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 देखो, रो मत, दो रो मत, मुझे नहीं पता था, मैं बस तुमसे बात करने आई थी, मुझे ये बात नहीं पता था कि तुम कुछ ऐसी बात है तुम्हारे साथ, लो हैंक यू लो, पर मुझे नहीं पता था। अब मुझे शेयर कर सकते हो कि तुम्हें वैसे कैसे पता चला, तुम्हें कब से ये पता चला कि तुम ऐसे में कुछ है तुम्हारे? जब 15-16 साल का हुआ तब मुझे पता चला। तो अभी तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो? अरे मैं कनॉट प्लेस में रहता हूँ। कनॉट प्लेस में? हाँ, और मेरे साथ मेरे जो गे हैं ना, उनके साथ में यही सब रहता हूँ। अच्छा, तुम्हारे साथ ही होंगे, तुम्हारे जैसे जो हैं उनके साथ रहते हो? हाँ, और जब मैं मतलब गांव से आया ना, मतलब गांव से जब यहाँ पे आया था, तो लोग मुझे मतलब
ना तो स्कूल में मैं पढ़ने जाता था तो मुझे मीठा मीठा कहके तो तुम मतलब जो अपना खाना पीना कैसे करते हो सब अगर जॉब वगैरह करते हो? हाँ जॉब के लिए गया था एक दो महीने किया था लेकिन जब वो जैसे जान गए तो मुझे मीठा मीठा कहके चिढ़ाने लगे यार। रो मत यार सीरियसली मेरे को नहीं पता था। देखो देखो सुनो मेरी बात सुनो मेरे पास सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो सुनो मैं ना देखो मैं यूट्यूब से हूँ मेरा चैनल है यूट्यूब पे चिक चिक बूम के नाम से। देखो उधर कैमरा लगा हुआ है मैं तुमसे सिर्फ मजाक कर देखो मेरे को ना पता नहीं था एटलीस्ट ना मुझे कुछ... मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक मजाक नहीं सॉरी आई एम रियली सॉरी यार मैं तुम्हें हर्ट करने नहीं आई थी मेरा वो मोटिव नहीं था मुझे पता ही नहीं था। नहीं आप चले अरे नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊंगी प्लीज रो मत यार प्लीज आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं मैं कोई मजाक मेरा उड़ा मैं मजाक उड़ा नहीं मेरा वो मतलब नहीं था मैं मजाक उड़ाने नहीं आई थी सीरियसली मुझे नहीं पता था यार मुझे लगा तुम मेरे से मजाक कर रहे हो कि तुम्हें लड़की में इंटरेस्ट नहीं है शायद तुम मुझे इग्नोर करने के लिए बोल रहे हो इसलिए मैंने तुम्हें बोल दिया आई एम रियली सॉरी मुझे बिल्कुल नहीं पता था मैं हर्ट नहीं करना चाहती थी तुम्हें सॉरी सूरज आई एम रियली सॉरी यार। कोई बात नहीं तुम्हारी इसमें क्या गलती है तुम ऐसे कोई तुम्हारी गलती नहीं है इसमें तुम अपने आप को दोष मत दो कि तुम ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है लोग बोलते हैं लोगों क्या है मत ध्यान दिया करो उनकी बातों पर लेकिन दिल पे लगती है कोई बात तो कैसे मैं समझ सकती हूँ आई एम रियली सॉरी यार मेरी वजह से तुम्हें कुछ हर्ट हुआ तो आई एम रियली सॉरी मेरा ये मोटिव नहीं था तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल भी। देखो मेरे ये व्यूअर्स यहाँ पे जो जो भी वीडियो देख रहे हैं देखो यार मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसी कुछ बात हो जाएगी तो मैं आपसे भी और इनसे भी सॉरी बोल रही हूँ बट मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ यार ये लोग भी इंसान हैं इन लोगों को इन नाम से मत बुलाया करो इतने लोग बोलते हैं मीठा है जॉब नहीं देते स्कूल में एडमिशन नहीं देते हो तो प्लीज़ ऐसे मत किया करो इनमें इनकी क्या गलती है ये भी तो हमारी तरह इंसान ही है तो इनकी भी उतनी ही रिस्पेक्ट करो इनको हर्ट मत करो कभी भी आपको कोई भी लड़का या लड़की ऐसे मिलते हैं तो प्लीज़ इनको हर्ट मत करना कभी भी मेरे से गलती हुई यार आई एम रियली सॉरी। मैं देखो वैलेंटाइन डे था मैं लड़का ढूंढ रही थी तुम मुझे मिल गए चलो तुम्हारी भी कोई फ्रेंड नहीं है मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है चलो कभी कोई नहीं है नहीं है पक्का आप फ्रेंड बनोगे मेरे पक्का फ्रेंड बनना मेरे ठीक है और मेरे साथ तुम ही चलना वैलेंटाइन डे मैं तुम्हें लेके चलूंगी मैं ठीक है अब रोना मत कभी भी ठीक है और ऐसे कोई भी बोले तो कोई उनकी बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है चलो मेरे साथ चलो आ जाओ कुछ खाने पीने चलते चलो। सो गाइस कैसी लगी ये वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को ज़्यादा शेयर ज़रूर करना बिकॉज ऐसा कोई भी बंदा हो सबको ये पता चलना चाहिए कि ऐसे बंदों की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए यार नॉर्मल इंसान की आप रिस्पेक्ट करते हो और बट इन लोगों को भी इनके नाम से बुलाओ यार कोई भी ऐसे मीठा कोई भी कुछ भी बोलता है पर ऐसे मत बुलाओ उनकी भी वो भी इंसान है उनकी भी इज्जत करो आप उनको उनके नाम से बुलाओ तो ये वीडियो ज़्यादा शेयर करना और मुझसे बात करने के लिए इंस्टा पर जाके फॉलो कर लो यूज़र नेम यहाँ आ ही रहा है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले चिक चिक बूम फायर।